गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। आज का दिन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है, और ये WHO यूजुअली इसको मनाता है, और फिर उसके तत्वावधान में सारे देश मनाते हैं। और हर साल WHO एक थीम देता है, तो इस साल की जो थीम है वो थीम है फाइंड द मिलियंस, मिसिंग मिलियंस। तो इस तरह से इसका मतलब ये है कि जो बहुत सारे लोग हैं जिनकी डायग्नोसिस या डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर डायग्नोस्टिक्स नहीं है, इंक्लूडिंग साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया। तो WHO ने यही कहा है कि जिनकी डायग्नोसिस नहीं हो पा रही, जो डिटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, इन्फेक्टेड हैं लेकिन डिटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको हाउ टू फाइंड। सो इसीलिए ये थीम इस बार रखी गई है। और हर साल हम लोग और बाकी सारे जितने हॉस्पिटल्स हैं वो कोशिश करते हैं मनाने की, और इस बार हम लोग बिकॉज कोविड के होते हुए हम लोग फिजिकली नहीं मना रहे हैं, बट हम हर साल इसको इस दिन को मनाते हैं। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने सिम्पोसियम किया था जिसमें लगभग 200 लोग पार्टिसिपेट किए थे, तो इस बार हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके वीडियो के माध्यम से हम आपके पास पहुँच रहे हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो हेपेटाइटिस वायरसेस होते हैं जो कि लिवर को इन्फेक्ट करते हैं, उनको हेपेटाइटिस वायरसेस कहते हैं। और वैसे तो दूसरे वायरसेस भी हैं, बट मेनली जिनको कहा जाता है कि वायरल हेपेटाइटिस या जो हेपेटाइटिस कॉजिंग वायरसेस, वो हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई होते हैं। तो हेपेटाइटिस ए जो होता है वो यूजुअली बच्चों में होता है, नॉन इम्यून बच्चे जो होते हैं उनमें होता है, वाटर बॉर्न होता है, पानी से होता है, कंटामिनेटेड वाटर जो होता है उससे होता है, यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होता है और ज़्यादा कोई सीवियर नहीं होता, और थोड़ी सी जॉन्डिस होती है और बच्चा फिर ठीक हो जाता है। कई बार उसको वो झाड़ फूंक वाले कहते हैं कि उसकी वजह से ठीक हो गया, बट ऐसा नहीं है, वो सेल्फ लिमिटिंग होता है, वो ठीक हो ही जाता है। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है, बहुत इफेक्टिव वैक्सीन है, तो अपने बच्चों को जो भी लोग चाहते हों प्रोटेक्ट करना, और करना भी चाहिए, तो वो वैक्सीन लगवा लें, और इसकी बड़ी अच्छी वैक्सीन है। दूसरा हम बताना चाहेंगे हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी बहुत हाईली इन्फेक्शियस बीमारी है, और इसमें हम देखते हैं कि जो यूजुअली इसके दुष्परिणाम या जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बहुत सीवियर होती हैं। हेपेटाइटिस ए जैसे हमने बताया वाटर बॉर्न होता है, लेकिन ये जो सीरम बॉर्न या जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं या जो भी इस तरह के इंजेक्शंस होते हैं, अनसेफ इंजेक्शंस होते हैं, उनके थ्रू होता है, तो इसीलिए इसको ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड या ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन भी कहते हैं। और ये इसलिए कहते हैं कि इसका यूजुअली 90% केसेस में ये थ्रू ब्लड का कोई कंपोनेंट होगा उसके थ्रू होता है, बट कभी कभी ये मदर से चाइल्ड में, मीन्स फीटस में, प्लेसेंटा के थ्रू भी वर्टिकली जा सकता है, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिट भी हो सकता है। कभी कभी हम लोगों की एक स्टडी थी, हम लोगों ने ये भी देखा कि जो घर में बर्तन होते हैं जो यूज़ करते हैं उनसे भी हो सकता है, टॉवल से हो सकता है, बाकी चीज़ों से, इसको हम हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन कहते हैं, तो वो भी हो सकता है। अगर देखा जाए तो दुनिया में लगभग 300 मिलियन से ज़्यादा केसेस हेपेटाइटिस बी के हैं, जो ज़्यादातर साउथ एशिया में, चाइना, इंडिया और इन सारे कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होते हैं। अकेले इंडिया में देखा जाए तो लगभग 4 करोड़, मीन्स 40 मिलियन, मीन्स 4 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड हैं। ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि जो हमने बताया कि थीम WHO ने क्यों रखी है, कई सारे ऐसे लोग हैं, लगभग आप देखेंगे कि तो इतना ही नंबर जो 4 करोड़ से ज़्यादा हो सकता है कि उनको हम डिटेक्ट ही नहीं कभी किया, क्योंकि बहुत सारे केसेस में लगभग 70% केसेस में अननोटिस्ड रहता है, इन्फेक्शन है लेकिन किसी को पता नहीं चला, और बाद में कब पता चलता है, जब ये जॉन्डिस होने लगती है, सिरोसिस हो जाती है, लिवर फेलियर जिसको कहते हैं वो हो जाता है, या फिर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, लिवर का कैंसर जब हो जाता है, और वो लगभग 25% लोगों में फिर कैंसर में बदल जाता है, तो वो एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जिसमें लगभग 70 से 80% लोगों में तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो अबाउट 20% होते हैं उनमें से फिर बहुत सारे लोगों में ये किसी भी फॉर्म में जा सकता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस हो सकती है, या फिर उससे आगे जो जो सिरोसिस हो सकती है, और बहुत एडवांस जब होता है अबाउट 5 to 10% केसेस में हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, मीन्स लिवर का कैंसर भी हो सकता है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए दवाइयाँ अवेलेबल हैं और वैक्सीन, बहुत इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है,
तो मैं आज ये बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं या जितने भी इंटर्न हैं, स्टूडेंट्स हैं या जो आम जन भी सुन रहे हैं, तो ये अपने बचपन में ही इसको वैक्सीन लगवा लें। 3 वैक्सीन लगती हैं, बहुत इफेक्टिव वैक्सीन है। ऑलमोस्ट 99% लोग प्रोटेक्ट हो जाते हैं और वैक्सीन से, लेकिन कुछ लोगों में अबाउट 1% लोग जो होते हैं उनमें कभी कभी कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये एंटीबॉडी का टाइटर भी हम लोगों के यहाँ होता है, दूसरी जगह भी होता है, तो वो अपने टाइटर करा लें 3 वैक्सीन के बाद, कि आपको वैक्सीन होकर के प्रोटेक्टिव लेवल ऑफ एंटीबॉडी आ गया कि नहीं आ गया, तो ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा हेपेटाइटिस सी वायरस है, वो अबाउट 1 करोड़, मीन्स उससे थोड़ा सा कम प्रिवलेंट होता है, अबाउट 1 करोड़ लोग इंडिया में इससे ग्रसित हैं। लेकिन इसकी खास बात यह है कि अनलाइक हेपेटाइटिस बी, थोड़े से इसमें चेंजेज हैं कि यूजुअली ये इंजेक्शन के थ्रू ज़्यादा जाता है। तो इसको यूजुअली देखा गया है कि जो इंजेक्शन ड्रग यूजर्स होते हैं या जो दूसरी तरह के ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है या दूसरे जो रूट होते हैं उनके थ्रू ही मेनली जाता है। जिस तरह से बताया कि जो हॉरिजॉन्टल या उस तरह के इन्फेक्शन बहुत कम होते हैं, ऑफकोर्स मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन भी हो सकता है, बट कंपेरेटिवली अगर देखा जाए हेपेटाइटिस बी के कंपेरिजन में ये कम होता है। अनसेफ इंजेक्शंस, आप लोगों को शायद पता होगा कि आज से 20 वर्ष पहले इंजेक्शंस की बहुत बुरा हाल था और रीयूजेबल सिरिंजेज होती थी, तो उसमें हम लोगों ने और कई सारी स्टडीज़ में हम लोगों ने देखा, नॉर्थ ईस्ट में जब HIV जब आया था तो जितने भी ड्रग यूजर्स थे उनको ये बहुत ज़्यादा होता था। अप टू 70 to 80% ड्रग यूजर्स जो होते हैं उनमें ये इन्फेक्शन पाया जाता है, तो ये बहुत हाईली प्रोवलेंट है ड्रग यूजर्स में। और इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब भी हम कोई ऑपरेशन करें, सर्जरी करें, तो हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी दोनों का ये टेस्ट किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं तभी भी, और सर्जरी जब करते हैं कि उससे दूसरे मरीज को ना चला जाए। और अच्छी बात इसमें हम बताना चाहेंगे वो ये है कि आज से 5 वर्ष पहले हेपेटाइटिस सी एक ऐसा वायरस था जिसका कोई इलाज नहीं था, लेकिन दो ड्रग कॉम्बिनेशन आ गया है, बहुत अच्छी ड्रग्स हैं, इलाज बहुत सक्सेसफुल है। जब अमेरिका में ये दवाइयाँ बनी थी तो इसका लगभग पर डोज 1 लाख की डोज आ रही थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरह से इनको लाइसेंस दिए कि जेनेरिक दवाइयाँ इंडिया में बनने लगी, और अब ये लगभग पर डोज लगभग 10,000 में पूरा इलाज हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, तो लोगों को कहने का मतलब ये है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है, हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट है, अवेलेबल है। चौथा वायरस हम बताना चाहेंगे हेपेटाइटिस ई, ये भी बहुत हाईली प्रिवेलेंट है, बट इसके एग्जैक्ट डाटा अवेलेबल नहीं है। ये भी वाटरबॉर्न डिजीज़ है, ये भी हेपेटाइटिस ए की तरह आता है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि जो हमने बताया वो बच्चों में ज़्यादा होता है, और यूजुअली बच्चे फिर इम्यून हो जाते हैं तो उनको दोबारा नहीं होता। ये किसी भी एज में हो सकता है, और इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो प्रेग्नेंट लेडीज़ में होते हैं। हम लोगों ने देखा कि यूजुअली जब मेल्स में होता है या यंग एडल्ट्स में होता है तो उसमें सेल्फ क्लियरेंस जस्ट लाइक हेपेटाइटिस ए हो जाती है, लेकिन अगर प्रेग्नेंट लेडी को हो गया और प्रेग्नेंट लेडी सेकेंड ट्राइमेस्टर में है, अगर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि थर्ड ट्राइमेस्टर वाली लेडी को इतना खतरा नहीं है जितना कि फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर वाली, खासतौर से सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो लेडी होती हैं उनको बहुत ज़्यादा खतरा होता है, तो वो यूजुअली फल्मिनेंट हेपेटाइटिस हो जाती है, और वो यूजुअली उनकी फैटेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, अप टू 50% है। और बच्चे में भी हमने देखा है कि अबाउट 50% जो बच्चे होंगे उनको माँ से ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। तो ये बहुत एक न्यू फाइंडिंग थी जो लगभग 10-12 साल पहले ही पता चली, पहले नहीं पता था। अच्छी बात यह है कि पिछले 3-4 साल में बहुत मेजर डेवलपमेंट हुआ है, और वो ये डेवलपमेंट हुआ है कि इसका वैक्सीन अवेलेबल है, और अब वैक्सीन सक्सेसफुली लिया जा सकता है। इसमें इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखने वाली बात है कि हेपेटाइटिस ई जानवरों में भी होता है, कुछ कुछ में, और जानवरों के स्टूल से भी कंटामिनेशन हो करके आपको इन्फेक्ट कर सकता है। तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई दोनों स्टूल जो फीकल मैटर है उससे कंटामिनेशन जब वाटर में हो जाता है तो उससे ये ओरल रूट से, मीन्स वाटर जो आप लेंगे कंटामिनेटेड, या फूड हो गया उसमें, सलाद होगी, खासतौर से सलाद जो होती है हमारी वो कंटामिनेशन का एक सोर्स हो सकते हैं, या ड्रिंकिंग वाटर जो हम पीते हैं अगर वो सेफ नहीं है तो उससे हो जाते हैं। तो इसलिए आज हमने ये डिस्कस किया कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस ई के विषय में। हेपेटाइटिस डी होता है एक,
हेपेटाइटिस डी यूजुअली हेपेटाइटिस बी के बिना नहीं हो सकता, तो उसको हम यूजुअली ज़्यादा उसके लिए चिंता नहीं करते हैं। उसकी चिंता उन्हीं लोगों में या उन्हीं पेशेंट्स में करने की ज़रूरत होती है जिसमें हेपेटाइटिस बी है। और इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है, जैसा कि हमने शुरू में कहा कि डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, तो आजकल सारे चारों वायरसेस की डायग्नोसिस इजीली अवेलेबल है। तो आपको जब भी लग रहा हो कि कुछ इस तरह से डाउट है, तो आप अपने नज़दीक के जहाँ भी लेबोरेटरी है, एम्स में आना चाहते हैं तो एम्स में आप अपना टेस्ट कराएं, और जब भी आपका ब्लूरुबिन या जोंडिस हो जाए तो ये सारे चारों टेस्ट कराने चाहिए, जिसमें अगर बच्चा है तो हेपेटाइटिस ए उसमें इंक्लूड होना चाहिए, अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो बी सी के अलावा हेपेटाइटिस ई भी इंक्लूड होना चाहिए। और इस तरह के प्रोटोकॉल से हमें लगता है कि बहुत सबको फ़ायदा होगा और टाइमली मैनेजमेंट हो जाएगा। और इसके साथ ही मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और चाहूँगा कि आप अपने पड़ोस में और अपने आसपास के लोगों को ये जानकारी दें और बताएं, और ये ज़रूर कहें कि सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर एंड सेफ़ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और इन चीज़ों का दोनों का ख्याल रखेंगे तो आपको हेपेटाइटिस ए से लेकर ई तक कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।